तो शुरू करते हैं हम हमारे आज के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में नोपुरा में FY21 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट घटाकर कितना रहने का अनुमान लगाया है? तो 5.2। सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में 15वें वित्त आयोग के सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो वह है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस समिति की सिफारिश में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य इंजीनियरिंग सेवा के 9304 पदों का खत्म कर दिया? तो वो है सेकाटकर समिति। फोर्थ क्वेश्चन है, हाल ही में US आधारित इक्विटी फॉर्म बिस्टा इक्विटी ने जियो प्लेटफॉर्म में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीदी है? तो 2.32। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ICMR ने COVID-19 टेस्टिंग किट की डिलीवरी के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो वो है इंडियन पोस्ट। सिक्स्थ क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने COVID-19 के लिए मोनोक्लोनल न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी का निर्माण किया है? तो वो है इजराइल। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है हमारे, देखते हैं, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने कमजोर देशों को COVID-19 राहत के लिए कितनी धनराशि देने की घोषणा की है? तो 6.7 बिलियन डॉलर। 8th क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने आरोग्य संजीवनी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी लॉन्च की है? तो वो है SBI। 9th क्वेश्चन है, हाल ही में कोरोना ने हिंद महासागर के द्वीप देशों की मदद के लिए भारत में कौन सा मिशन शुरू किया है? तो वो है मिशन सागर। 10th क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा बैंक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के NBFC तक ऋण स्थगन देने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है? तो वो है PNB। 11th क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस लोकोमोटिव वर्कर्स ने एक स्वचालित चिकित्सालय ट्रॉली का उत्पादन किया है? तो वो है चित्रंजन लोकोमोटिव कार्स। 12th क्वेश्चन है हमारा, किस टाइगर रिजर्व में 2019-20 की तुलना में बाघों की संख्या 88 से बढ़कर 96 हो गया है? तो वो है हमारा सुंदरबन रिजर्व। 13th क्वेश्चन है हमारा, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है 9 मई को। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, देखते हैं, हाल ही में किस इंस्टीट्यूट ने COVID-19 के लिए पहली स्वदेशी एंटीबॉडी डिटेक्शन तैयार की है? तो वो है हमारी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। तो सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में इजराइल ने किसके नाम पर एक सड़क का नाम रखा है? तो वो है रविन्द्रनाथ टैगोर। थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में ICMR की रिपोर्ट के अनुसार 3 मई तक भारत में बेरोजगारी दर कितनी बताई गई है? तो वो है 27.11। फोर्थ क्वेश्चन है, नितिन गडकरी ने अगले 2 वर्षों के लिए भारत के सड़क निर्माण का लक्ष्य क्या रखा है? तो वो है 15 लाख करोड़। 5th क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में फाइंडिंग फ्रीडम पुस्तक को किसने लिखा है? तो वो लिखा है ओमिड स्कोबी और कैरोलिन इल्ट्रेंड ने। 6th क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय तकनीकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 मई। 7th क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने ध्रुव नामक यूवी आधारित सैनिटाइजर विकसित किया है? तो वो है DRDO ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने सैन्य अभ्यास के दौरान अपने ही जहाज को उड़ा दिया है? तो वो है ईरान। 9th क्वेश्चन है, हाल ही में जारी डाटा के अनुसार राज्य में सबसे कम शिशु मृत्यु दर रही है? तो मध्य प्रदेश में। 10th क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किराना स्टोर पर सुरक्षा की दृष्टि से कौन सी पहल शुरू की है? तो वो है सुरक्षा स्टोर पहल। 11th क्वेश्चन है हमारा, फीफा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप किस वर्ष आयोजित किया जाएगा? तो वो है 2023। 12th क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में फियर ऑफ गॉड पुस्तक का विमोचन हुआ है, इसके लेखक कौन है? तो वो है हमारे बोम देवरा चंद्रवर्धन। 13th क्वेश्चन है, हाल ही में नाबार्ड ने राज्य सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को कितने करोड़ रुपए वितरित किए हैं? तो वो है हमारे 12,776 करोड़। हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी ने 5.5% हिस्सेदारी खरीदी है, तो कौन सी खरीदी है? ग्लेक्सो स्मिथ क्लाइन की। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसने उड़ीसा विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए यरोसा हेल्पलाइन लॉन्च की है? तो वो है हमारे रमेश पोखरियाल निशंक। सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने fightchess.com ऑनलाइन नेशनल कप जीता है? तो वो है चीन। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में प्राणवायु नामक श्वसन स्वस्थ जागरूकता कार्यक्रम किस भारतीय शहर से शुरू किया गया है? तो बेंगलोर। फोर्थ क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुलिस कर्मियों को करमवीर पदक से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश। फिफ्थ क्वेश्चन है, हाल ही में CSIR के किस नाम से नॉन इन्वेंसिव वेंटिलेटर बनाया है? तो वो है स्वस्थ वायु। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस पैरा एथलीट ने सेवानिवृत्ति की घोषणा की है? तो वो है दीपा मलिक। सेवंथ क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश की पहली FIR आपके द्वार योजना शुरू की है? तो वो है मध्य प्रदेश राज्य। मध्य प्रदेश राज्य में आपके द्वार FIR योजना शुरू हो चुकी है। क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है, तो वो है 12 मई। 9th क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला है, तो वो है हमारे इंदु शेखर चतुर्वेदी। 10th क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2020 के लिए मार्क्स वॉलनबर्ग पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो वो है हमारे रिचर्ड एच वॉरिंग, जोसेफ जे लैंडबर्ग और निकोलस सी क्रूप्स। 11th क्वेश्चन है, हाल ही में किस हवाई अड्डे ने भारत और मध्य एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के लिए स्काईट्रेक्स अवार्ड जीता है, तो वो है हमारे कैंप गोंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। 12th क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री ने कितने रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है, तो वो है 20 लाख करोड़। 13th क्वेश्चन है हमारा, भारत में कब फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप आयोजित होगा, तो वो है हमारा साल 2021। क्वेश्चन देखते हैं हमारा, हाल ही में फ्रांस के किस साइकिल चालक को अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिंग संघ द्वारा 4 साल के लिए प्रतिबंधित किया गया है, तो वो है हमारे डी ग्रेगोरियो। 2nd क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में होम डिलीवरी को अनिवार्य रूप से कैसा लेस कर दिया है, तो वो है अहमदाबाद। 3rd क्वेश्चन है, हाल ही में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, तो वो है कैंपियन। 4th क्वेश्चन है, हाल ही में प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड ने किसके साथ मिलकर डिजिटल सम्मेलन आरई स्टार्ट का आयोजन किया है, तो वो है CII। 5th क्वेश्चन है, हाल ही में किसे यूएल क्लाउड द्वारा भारत में इसके उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है, तो वो है अनिल भंसाली। 6th क्वेश्चन है, हाल ही में CBSE के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि CBSE के अध्यक्ष के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया है, तो वो है हमारे मनोज आहूजा। ये क्वेश्चन याद रखना है कि CBSE के अध्यक्ष कौन है हमारे, तो वो है मनोज आहूजा, याद रखना है आपको ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य के तेलिया रुमाल को GI टैग मिला है, तो वो है तेलंगाना। 8th क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को सोहराई खोबर पेंटिंग का G1 टैग मिला है, तो वो है झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई RBI की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 में भारत के गोल्ड भंडार में कितने टन की बढ़ोतरी हुई है, तो 40.45। 10th क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय फुटबॉल फेडरेशन द्वारा इस वर्ष के अर्जुन पुरस्कार के लिए नामांकित किया है, तो वो है संजय झिंगन एंड एन बाला देवी। 11th क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य को आने वाले पर्यटकों के लिए अपनी मानक संचालन प्रक्रिया विकसित करने का निर्णय लिया है, तो वो कौन सा राज्य हमारा, गोवा राज्य। गोवा ऐसा राज्य है जिसने पर्यटकों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया शुरू कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा।